ना कतने दे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो मैं कल आई थी मेरे मामा के घर और आज मेरे मामा हम लोग को घुमाने लेने जा रहे हैं और हमारे साथ मेरे मामा मामी मामा की लड़की आई और मेरी मम्मी। हम लोग अभी जा रहे हैं घूमने पाषाण के म्यूजियम में। अभी बस में बैठे हैं, अपनी गाड़ी हम लोग अभी बस में बैठे और हमारी गाड़ी अभी स्वर्गेट पर जाके रुकेगी। मंदिर में हम लोग अभी जा रहे हमने अभी भगवान को चढ़ाने के लिए ताट लिया है, सॉरी क्या होता है, नारियल फूल वगैरह लिए और हम लोग अभी जा रहे मंदिर में दर्शन लेने के लिए। तो हम लोग अभी इधर अंदर जा रहे हैं आपको दिखाने के लिए। श्री सोमनाथ सौराष्ट्र प्रभास्टन गुजरात। अच्छा सॉरी मेरे को लगा राम मंदिर है। हे श्री मल्लिकार्जुन श्री कौशल्य कर्नूल आंध्र प्रदेश। मस्त मंदिर आहे, म्हणजे हे रियल मध्ये असे मंदिर आहेत ना। आणि एक आहे श्री महाकालेश्वर। और ये श्री ओमकारेश्वर। नाव काय डेंजर आहे जी। श्री विद्यानाथ। ओ श्री विद्यानाथ ये है। श्री भीमाशंकर खेड पुणे महाराष्ट्र। हो मस्त है। ये श्री रामेश्वर तमिलनाडु का। वाह
और ये श्री नागेश्वर, ओड़ा, हिंगोली, महाराष्ट्र। और ये है श्री विश्वेश्वर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। और ये है श्री त्र्यंबकेश्वर, नाशिक, महाराष्ट्र का मंदिर। और ये है, हाँ आई नो दैट, श्री केदारनाथ, हिमालय, उत्तराखंड। श्री कितना खतरनाक नाम है, श्री घृष्णेश्वर, घृष्णेश्वर, वेरुळ, औरंगाबाद, महाराष्ट्र। श्री घृष्णेश्वर, श्री घृष्णेश्वर, भेंडी नाव असतं। नंदीबैल इधर, तो हम लोग इधर गए थे ये मंदिर में, इधर से एंट्री इधर आने के लिए। और इधर सब मंदिर दिए हैं, उनके नाम भी दिए हैं उधर, कि किधर का मंदिर है, मंदिर का नाम क्या है। और मैंने इधर फोटो भी निकाले, आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए। ये हम लोग इधर मंदिर है, इधर सोमेश्वर की पालकी का उधर लिखा है उधर, तो ऐसा व्यू है इधर का। तो इसके अंदर जाने वाले और इधर उसकी टिकट निकालते हैं, तो मेरे मामा ने भी टिकट ले ली है और हम लोग अभी जाएंगे इधर अंदर। हे लोग काय करतात, ये वैद्य है, बीमार लोगों को सही करते, एकदम मस्त बनवले। इसके कान में कुछ कर रहे, इधर भजन कीर्तन वाला दिखाया है। हे बक बैले, और ये लड़के लोग, वो साइड औरत लोग पानी भर रहे, वो कितनी एकदम मस्त देना। ये लोग क्या कर रहे मेरे को ही नहीं मालूम। ये राशन वाला है शायद, ये इसका सॉन्ग आता है मेरे, वासुदेव वाला, अरे वासुदेव वाला। वासुदेव इधर दिया है, क्या क्या है मराठी में दिया है। ये दिया है गावकट्टा, प्रत्येक गावामध्ये गावकट्टा हा असतोच, गावातील ज्येष्ठ जाणाऱ्या
नागरिकांपासून तरुण तसेच लहान मुलांपर्यंत प्रत्येकासाठी गप्पा बांधण्यासाठी थोडा वेळ थांबून विश्रांती घेण्याची जागा गावातील प्रत्येकासाठी सर्वात प्रिय जागा आहे ये गाव कट्टा। ये मंदिर दिया है शायद मंदिर दिया है, लोग पूजा करने आए दोनों जन। और इधर गणपति विसर्जन का दिखाया गया है, शिवाजी महाराज का मतलब त्योहार का दिखाया गया है इधर। इधर भगवान के पालकी का दिखाया है, ये लड़के और औरत बाहर से देख रहे हैं, वो लोग देख रहे और ये लोग नाच गा रहे बजा रहे पालकी लिए कर जा रहे। मामा हे काय हे काय काय दिलं पण नाही इथं, नाही तर सांगितलं असतं। धागा तयार करायचा आहे, इसकी तो उंगली तूट गई है। सिक्स पॅक आहे घ्यायला, सिक्स पॅक ये मेंढी मेंढी बोलते हैं इसको, बैल वो दूध निकाल रही बैल का, ती वाह काटते वो कैसे वाह काटती है, डोको विसरते आई थिंक। हाँ इत सांगितलं आहे घरचा सोप्पा, घरचा सोप्पा हा एक पारंपरिक गृहानेच मध्ये घरातील दर्शन भाग मानला जातो, जो कधीही बंदिस्त नसतो। वेणी फणी धान्य निवडणे गप्पा मारणे गोष्टी अशा अनेक दैनंदिन कामासाठी घराचा सोप्पा ही सर्वात आदर्श जागा आहे। सोप्याला सोप्या एक आहे शिंपिंग, ये कपड़ा सिलने वाला दिखाया गया, मतलब ये अंकल कपड़ा सिलते हैं और ये उनको दे रहे कि ये ऐसा ऐसा सिलना है। इधर बताया भी नाम शिंपी दिया है, मैं पढ़ के बताती हूँ आपको। वस्त्र ही एक मूलभूत गरज आहे व गावकऱ्यांसाठी वेगवेगळ्या प्रकारची पारावर करणारी शिंपी म्हणजे जुन्या काळातील फॅशन डिझायनर्स कपडे शिवता गावकऱ्यांशी वार्तालाप करणे। पूरा पढ़ के दिखाऊंगी तो आपको भी नहीं समझेगा, पढ़ रही हूँ मराठी में, ब्लॉग बना रही हूँ हिंदी में। ओ ये इसको इधर बंगड़ी का दुकान दिखाया गया है, इधर लिखा है कासार। बांगडी हा स्त्रियाचा एक आवडता अलंकार आहे, वेगवेगळ्या रंगाच्या काचेच्या बांगड्यांना मोडता स्त्रियांच्या हातांना भरायचे। दांडू हा एक अत्यंत लोकप्रिय पारंपरिक खेळ आहे, ज्यामध्ये छोटी लाकडी विटा मोठ्या लाकडी दांडूंना अचूक उडवण्याची मौज आगळी असते। जिथे माणूस हा तिथे विवाद प्रसंगी भांडण थट्टे, मतलब इधर दिखाया गया कि इन दोनों का झगड़ा हुआ है, ये लोग सॉल्व कर रहे हैं। मम्मा शायला जा जा शायला जा, पर जो स्कूल वगैरह था पेड़ के नीचे होता था तो वही इधर बताया गया है, झाड़ा खालची शाळा। हे काय लग्न हो, ये शादी का दिखाया है। श्री देवी पद्मावती मंदिर, इधर कीर्तन दिखाया गया है। कीर्तन ही एक पारंपरिक कला आहे जिचे महाराष्ट्रात अन्य साधारण महत्व आहे। उधर खेती करने मतलब वो लोग खेती वगैरह कर रहे हैं ऐसा दिखाया है।
ये कड़क लक्ष्मी भाई, दूध साखर खवा बेसन तेल तूप तसेच काजू बदाम पिस्ते असे काय काय वापरून विविध प्रकारची मिठाई तयार करणे ही विलक्षण कौशल्याची कामे करणारा हलवाई हा गावकऱ्यांचा गोड धोड पदार्थ पुरवणारा एक महत्त्वाचा घटक आहे. किती कुठली मिठाई आवडली मला? ती पांढरी. चला घेऊया. तुला लाडू आवडला? आणि हे काय दिलंय? ये कपडा धोरी आहे शायद. हां ये कपडा धोरी आहे. इधर कोंबडी, ये कोंबडा, सॉरी वो कोंबडा. और ये क्या है? अत्तर. अत्तर, अच्छा हाँ अत्तर. अत्तर मतलब जो बनता है ना अत्तर, मैं भी अत्तर यूज़ करती हूँ. अत्तर दिया है. सुगंधी वनस्पति फुले मोळ्या अशा नैसर्गिक गोष्टींच्या द्रव्यापासून अत्तर बनवतात. और ये मूर्ति मतलब पत्थर की मूर्ति बनाते, मतलब भगवान का वगैरह जो कुछ मूर्ति बनाते, जैसे इनको भी पत्थर से ही बनाया गया है. शिल्पकार, हाँ इनका भी इधर लिख के दिया. और ये लोग घर बना रहे, इनको मराठी में बोलते गवंडी. उधर भी लिख के दिया, जानता हूँ मैं इतना नहीं पढ़ा, अभी बताती आपको. इधर का बताई क्या मैंने आपको? इधर रहेगा. ये क्या है? डब्बे बने उनारा, मतलब डब्बे वगैरह बनाते हैं. ये क्या कर रहा है? अच्छा वो पानी डाल रही है, अपना धो रहा है. और ये क्या है? अच्छा हाँ ये दगड़ का वो खलबत्ता जाता वगैरह रहता है ना पीसने वाला वगैरह, ये लोग वो बनाते. दगडाच्या खणीतून आणलेल्या दगडापासून लागणाऱ्या आकाराचे दगड तासून घडविणाऱ्या छोडो. ये लोग क्या कर रहे इधर? अच्छा ये लोग खेल रहे, लंगड़ी खेल रहे. रोजगार हमी खेती काम हे मस्त वाटते, लाकडीच छान दिसतय, मस्त आहे ना मम्मा. हे काय? मुसाळ. ये लकड़ा तोड़ रहा है. लमान स्त्री. लमान स्त्री राजस्थान मधील एक जमात आहे. या जमातील स्त्रिया घोळदार पण अखूड घर. अच्छा ये लमानी दिखाई आता इकडे राहिलं ना. हे काय? म्हशी धुराणा, मशी धोनारा. अच्छा ये मस्त धोने वाला ऐसा बताया, मतलब वो पानी इधर नीचे समझो मतलब, और ये धो रहा है. हाँ लाकूड तोड़या. अच्छा ये लकड़ी तोड़ के गोला करके लेके जाते जमा करके. और वो है वो अपनी बकरी शेली जो है, मतलब वो चराने के लिए लेके जाते हैं ना दिन में एक दो बार. वो क्या है ये? चीता चेर, वो शेर नहीं. और इसको क्या बोलते? टाइगर. और इधर दिया है, इनको क्या बोलते? सांड. मम्मी क्या बोलता? गेंडा. ओके गेंडा, मगरमच्छ. पान गेंडा इसका नाम है, पान गेंडा. वो मगरमच्छ और ये गेंडा. हाँ इसका नाम गेंडा. आणि ह्याला काय बोलतात ग? इसका एक बार मैंने मूवी देखा था. आया सोड, नंतर सांगते. ये बंदर केळे त्यांच्या हातात. हे काय? ये काय?
इसका नाम नहीं मालूम, अगर आपको पता होगा तो आप मैं हम मेरे को कमेंट में ज़रूर बताओ। हाँ को काय ना आवे है काय में मुर्दे तिकड़ मंडी ये काय हिरन ये हिरन वाह मैं आत मुझे आजू ने अंदर और है। हाँ अच्छा ये हसवल ये हिरन इधर से अंदर और भी है दिखाने के लिए। वाह मेरे को तो अच्छा लग रहा है इधर। वाह 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 पाटिल वाड़ा। ओहो पाटिल वाड़ा वैसे हम भी पाटिल है। पाटिल ही गावाची प्रमुख व्यक्ति गावाचे नेतृत्व करणारे गावाच्या कारभारात सक्रिय व पुढाकार काम करणाऱ्या व्यक्तीला पाटील संबोधले जाते। ओहो जाऊ का अंदर में तो अंदर जाने वाली हूँ ढमरे तगड़ा। डर लग रही है अंदर जाने में। वाओ 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 कितनी सुंदर है वो उधर किचन है। अपने बच्चे को खिला रही है शायद ये कुछ काम कर रहा है वो सुलाने जा रही है बच्चे को। और इधर ही इनको दिखाया गया है ये बैल है। ओफ कितनी सुंदर है मम्मी है सगळं पाटलांचा वाडा वाडा। अंदर जाने के लिए नहीं है देखो मैं तो अंदर जाके दिखाती अभी आपको। चलो बाहर निकलते इधर से। ये हुआ पाटिल का वाड़ा और ये बाहर निकलने के लिए इधर से जगह है। अब मैं आपको इधर से दिखाती हूँ ये घोंगड़ी बनाना रे। घोंगड़ी बनाना रे मीन्स पत्रे बनाने वाले क्या मालूम। और ये कौन है पिंजारी। पिंजारी मीन्स हाँ सांगितलं पिंजारी म्हणजे गादे बनवणारे। सरकार बिया गोळ्या करून वापरण्यात कापूस तयार हा तेच ते गादी तयार करणे वाले गद्दी गद्दा तयार करणे वाले। ये तांबट तांबटाचा वापर शतक। अच्छा ये तांबे के बर्तन बनाने वाले। लोहार ये लोहार है लोखंडच्या वस्तू बनवणारे ना। हाँ तेच ते खेती के अवजार बनाने वाले लोहार। ये कौन है ये सुतार। हे सुतार इतना मम्मा सुतार सुतार काय बनवतात खंबा तुळ्या कापटे कपाटे। अच्छा पलंग वगैरह बनाने वाले फर्निचर। आणि हे काय बैलगाडी शर्यत बैलगाडा शर्यत ना देयक। हाँ बैलगाडा शर्यत जाणार मर्द। हो दोर बळवणारे हे काय बाई मम्मी न्हावी। ये केस दाढी करने वाले काटने वाले बाल वगैरे। और ये इस्त्री वाला ये कपड़े को इस्त्री करता है। प्रेस गदा। कातड़ी कामावणारे। अच्छा एक चमड़ी का चप्पल बनाते ना वो सांबार। प्राणांच्या कामावलेल्या कातड्याचे गरजेनुसार तुकडे करून त्याद्वारे विविध प्रकारची पात्राने तयार करणारा चांबार संपूर्ण गावाच्या पायाला संरक्षण देतो। ओके खाटिक। खाटिक मीन्स ये बकरे काय हो कोंबडी वगैरह कोई कोण चिकन वगैरह। गावामध्ये शाकाहारी तसेच मांसाहारी गावकरी एकत्र राहतात। बुरुड बुरुड मीन्स ये क्या बनाते बुरुड म्हणजे काय ग बुरुड। बांबूच्या वेताला कापून तासून वापरण्याजोग्या आकारात
आनून कौशल्या पूर्ण टोपल्या, अच्छा टोपली बनाने वाले, भाकरी की टोपली वगैरे। आणि हे कोण ना, ये भी टोपली बनाने वाला है। और ये कुंभार वेगवेगळ्या ठिकाणाहून वैशिष्ट्य माती आणून अच्छा चाळून गाळून भिजून मटका बनाने वाला। ओ माय गॉड, कोळीन कोळीन, अच्छा ये मच्छी बेचने वाली। मम्मी सरक दसरा, ये दसरे का इधर हनुमान रावण। और ये लोग शहरी भाग से आए और उनका फोटो निकाल रहे ऐसा दिखाया है उन लोगों ने, उन दोनों का शरीयत लगाया है। हाँ तेज थे दोन बकरी झुंज हे बघना कसे दाखवले कपल्स। और इधर कुस्ती, कुस्ती का अच्छा ये कुश्ती और ये गावकरी देखने आए। किती छान बनवलं ह्यांनी सिरियसली, खेळणे वाला, अच्छा ये खेळणे वाला मतलब ये बाजार भरा है। ये सब बाजार दिखाया लाइन से उधर से इधर तक, इधर तमाशा दिखाया है टन 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 टन। तमाशा मतलब नाचने वाली औरत। धान्य वाला, ये कांदा बटाटा टमाटो दिखाया है उधर। सिनेमा वाला, सिनेमा ये पुराने जमाने में पहले ऐसे सिनेमा देखते थे। लंगड़ अच्छा कलिंगड़ वाला, ये कलिंगड़ बेचता है। और ये क्या दिखाया इन लोगों का, हाँ कौन इजन आवित है ना, गुळाची टेप वाला, अच्छा ये गुळ है जो है नीचे गुळ है, गुड़ गुड़। आणि ये सब्जी, ये सब्जी वाली। आणि हे आणि हे आहे खमतो सुरू काही लोक चने चुरमुरे, चुरमुरे वाला। आणि ये भेल वाला, ये भेल वाला, ये भाजी, ये फिर से सब्जी वाला, ये शूज, अच्छा बूट भी काबूसता है कलेश वाला। मम्मा तुम्हारा बोलू दे, उसके पीछे भी दिखाया है। यस पतंग वाला, साड़ी वाला, वो साड़ी मस्त दाखवली। गजरे वाला, ये भाई आई रोज सोच रही है मैं लू के नहीं। चंद्रमुखी ना चंद्र चिस्ते बोल लो। तो इतना ही था मैंने आपको दिखाया, अभी पूरा खत्म हो गया, मैंने पूरा दिखाया आपको। तो कमेंट में बताना आपको कैसा लगा आज का व्लॉग, ठीक है। और हम अभी इधर से बाहर निकले, ये स्टार्टिंग है इधर की। तो अभी हम इधर आए ये सारस बाग में, ये जो नाम दिख रहा है आपको, ये सारस बाग में अभी हम लोग जाने वाले। सारस बाग की एंट्री है, हम लोग जा रहे हैं अभी अंदर। चला इकडनं जाऊ, बसू तिकडं ना, असं राऊंड मारू पलीकडे निघू। इधर ऊपर गणपति का मंदिर है। ये चला इत मामा,
ये सब कमल का फूल है। मम्मी साड़ी बन नारा तो जाने से खाली के लिए मस्त हटते हैं। अभी इधर के मेले में जा रहे हैं, उसके पहले मैंने और मेरे मामी ने लिए इधर कुल्फी। बिस्किट है खा को मन टक नाकात नहीं उदे हाथ काट बाहर शॉपिंग करते अजून त्याला बसायला येतले शुभ्र आहे का आहे खेले गार्डन में भी वगैरह जाके आए और अभी भी इधर हम लोग खाना खाने के लिए रुके। हम लोग ने पहले सूप मंगाया है, हमने अभी नूडल्स भी मंगाए। अभी बजे 9:15 और हम लोग अभी घर पे आए, तो आज के ब्लॉग का एंड इधर ही करती हूँ मैं। चलो बाय।